देव गुरु बृहस्पति, महापूर्णिमा पे अमृत का उफान, ये तो बड़ी ही चिंता का विषय है। हाँ सूर्यदेव, इस विशेष महापूर्णिमा पर अमृत में तीव्र उफान आने से चंद्रलोक असंतुलित हो सकता है। असुर ऐसे ही अवसरों पर अपनी दृष्टि कड़ाए रखते हैं, तो हमें चंद्रलोक की सुरक्षा के लिए कुछ उपाय तो करना ही चाहिए। हाँ, इसी विषय पर विचार विमर्श करने के लिए देव सभा बुलाई है। चंद्रलोक को बाकी ग्रहों के प्रभाव से भी सुरक्षित रखना होगा, क्योंकि ग्रह मंडल में दो असुर ग्रह राहु और केतु भी हैं, और शुक्राचार्य जैसे दैत्य गुरु भी हैं। असुरों को दो बूंद अमृत भी मिल गया तो वो अवध्य हो जाएंगे। यही अवसर है रावण, चंद्रलोक के असंतुलन का लाभ तुम्हें और समस्त असुर कुल को ही लेना है। अमृत प्राप्ति ही तुम्हारा परम उद्देश्य होना चाहिए। प्रणाम दैत्य गुरु, जय लंकेश। तो आप भी इस महापूर्णिमा के लिए विशेष योजना बना रहे हैं लंकापति? किंतु ध्यान रहे, देवता भी अमृत की सुरक्षा के लिए विशेष योजना बना रहे हैं, इसलिए उन्होंने देवलोक में विशेष सभा बुलाई है। किंतु क्या? किंतु ये कि ग्रह मंडल के सभी ग्रहों को आमंत्रित किया गया है, मात्र मुझे, केतु और दैत्य गुरु शुक्राचार्य को नहीं बुलाया गया। अपमान, ये आपका अपमान है गुरुदेव। ये धृष्टता है इन देवताओं की। इस देव सभा की सारी सूचनाओं को हमें प्राप्त करनी ही होगी, और इसके लिए आवश्यक है देव सभा में सेंध लगाना। उपाय उपाय तो और भी है गुरुदेव। मैं जानता हूं कि मुझे क्या करना है और करना क्या है। क्या लाए हो अपनी मां के लिए, हमें भी तो बताओ। अभी नहीं, माँ के लिए है ना, माँ के पास जाकर बताऊंगा। अच्छा अब चलिए, आप चलते रहिए, मैं अभी आया। हाँ। थोड़ी देर विश्राम करो, तुम्हारा मन भी शांत हो जाएगा। हनुमान, हनुमान कहाँ जाने के लिए सज्जित हो रहे हो पुत्र? हनुमान, 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 अंजना, हनुमान नहीं है यहाँ पे। हे प्रभु, कहीं अंजना विक्षिप्त हो जाए, अभी का आसरा है प्रभु, न जाने हमारे सुखों पर किसकी कृदृष्टि लगी। क्या है? जी, आपका ये झोला तो बड़ा ही अद्भुत है, कि
कितना भी डालो भरता ही नहीं। बताओ तो सही, क्या है इसमें? ये तो आपको वहाँ जाकर ही ज्ञात होगा। वैसे अभी कितना समय लगेगा? पृथ्वी के मार्ग से चलेंगे तो कुछ दिन लगेंगे, और तुम्हारी भांति उड़ के जाएंगे तो शीघ्र पहुंच जाएंगे। ऐसा तो हमने कभी सोचा ही नहीं राहु। तो सोचिए ना, आप न्याय के देवता हैं, आपकी असीम शक्ति के समक्ष कोई नहीं टिक सकता, फिर भी आप ग्रहाधिपति क्यों नहीं हो सकते? यहां तक कि अमृत की सुरक्षा का दायित्व भी आपको न देकर के चंद्रदेव को दे दिया गया। चंद्रदेव पे शनि की दशा आनी है, उन्हें चंद्र के खिलाफ उकसा के और मजा आएगा। मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि ग्रह मंडल में तो क्या कहीं भी कोई भी आपको महत्व नहीं देता। आपकी पत्नी ने तनिक सी उपेक्षा के कारण आपको श्राप दे दिया। आपके पिता श्री सूर्यदेव, वो चाहते तो आपको आपकी पत्नी के दिए गए श्राप से मुक्त कर सकते थे, किंतु उन्होंने भी ऐसा नहीं किया। उसी श्राप के कारण आप अपने किसी भी प्रियजन को चाहते हुए भी सीधा नहीं देख सकते। राहु, तुम मुझे भ्रमित करने का प्रयत्न मत करो, मुझे मेरा कार्य ज्ञात है। रावण से जाकर कहना कि त्रिदेवों ने मुझे जो दायित्व सौंपा है उसे पूर्ण करने से मुझे कोई नहीं रोक सकता, मुझे मेरे मार्ग से कोई विचलित नहीं कर सकता। लगता है इसका कोई फायदा नहीं हुआ, और कहीं ये क्रोधित होकर मुझ पर कुदृष्टि न डाल दें। अब चंद्रदेव को भ्रमित करने की बारी आ गई है। राहु, मुझे देव सभा के लिए विलंब हो रहा है, मेरे पास अभी तनिक भी समय नहीं है। मैं कहा आपका अधिक समय ले रहा हूँ चंद्रदेव, दैत्य गुरु ने आपके लिए बधाई संदेश एवं उपहार भेजे हैं, इसलिए मैं यहाँ पर आया। इसके लिए दैत्य गुरु को धन्यवाद बोलना राहु, अभी मैं शीघ्र निकलता हूँ। सभा तो आपके लिए ही बुलाई गई है चंद्रदेव, आपके लिए कुछ क्षण प्रतीक्षा कर लेंगे सभी देव। मेरे कारण कोई प्रतीक्षा करे तो ये अनुचित होगा राहु, सभा में समय पर पहुंचना चाहिए। जैसी आपकी इच्छा, मैं किसी अन्य दिन ये सब लेकर आता हूं। वरुण देव की बुद्धि इस राहु ने भ्रष्ट कर दी थी, यदि ये मुझसे रुष्ट हो गया तो कहीं मेरे साथ भी कुछ ऐसा ना कर बैठे। राहु सुनिए, लाइए, मैं आपका ये उपहार स्वीकार करता हूं। इस उपहार से आवरण तो हटाइए देवी। बहुत सुंदर आभूषण है। मुझे विलंब होता जा रहा है, सब देव सभा में प्रतीक्षा कर रहे होंगे मेरी। चंद्रदेव, तुम्हें विलंब कराना ही तो उद्देश्य था मेरा। अच्छा, तो एक उपाय करते हैं, जैसे सुमेरु से अयोध्या तक आप मुझे अपने कंधे पर बिठा ले गए थे, और अब अयोध्या से सुमेरु तक मैं आप दोनों को अपने कंधे पर बिठाकर वापस सुमेरु ले जाऊं। उसके लिए कंधे पे बैठने की क्या आवश्यकता है, हम स्वयं भी उठ सकते हैं। अच्छा, आप उड़ सकते हैं, तो चलिए, वैसे भी कुछ क्षणों में रात्रि होने वाली है। चलिए, हाँ, हम शीघ्र ही पहुंच जाएंगे सुमेरु।
अद्भुत झोला। क्या हुआ हनुमान? हमें शीघ्र पहुंचना है, रुक क्यों गए? कौन क्या? हम वैद्य हैं। देखिए, आप पर मिथ्या संभाषण शोभा नहीं देता, और माँ कहती है कि मिथ्या संभाषण पाप होता है। हम मिथ्या नहीं बोलते। अच्छा, तो आप उड़ भी सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, और आपका ये झोला, इसमें कितना भी डालो भरता ही नहीं है। चाहे इसमें पूरी सृष्टि समा जाए, जैसे भोले बाबा के चरणों में पूरी सृष्टि समा जाती है। आप भोले बाबा है ना, और आप पार्वती माता है ना, बताइए ना। प्रणाम माता। भक्त हृदय से कैसे छुप सकते हैं भगवान, फिर चाहे वो महादेव हो या नारायण। हनुमान, सत्य पहचाना तुम, ये तुम्हारे भोले बाबा ही हैं। प्रणाम भोले बाबा। प्रणाम माता। और हनुमान, इन्होंने मिथ्या संभाषण नहीं किया था, ये जगत वैद्य, इन्होंने तुम्हारा उपचार किया और तुम्हारे प्रभु राम का उपचार किया। हनुमान, तुम्हें जिस उद्देश्य के ले जाया गया था वो पूर्ण हो गया है। तुम्हारे आराध्य राम से भी तुम्हारा मिलन हो गया है। भविष्य में राम काज के लिए पुनः तुम्हारा उनसे मिलन होगा। मैं तो सदैव ही प्रभु राम के काज के लिए प्रस्तुत रहूंगा। हाँ हनुमान, किंतु अब तुम्हें सुमेरु लौटकर पुत्र होने के कर्तव्य का पालन करना है। अपनी राजधानी और अपनी प्रजा के प्रति अपने दायित्व पूर्ण करने। जैसी आपकी आज्ञा भोले बाबा, मैं ऐसा ही करूँगा। हनुमान, तुम्हारी माता अंजना सुमेरु में तुम्हारे लिए अपना सोना अचल फैलाए व्याकुल हो रही हूँ। हम शीघ्रता से उड़कर महापूर्णिमा के पूर्व ही तुम्हें तुम्हारी माता के पास पहुँचा देंगे। चलो पुत्र। आपने मेरे हृदय की पीड़ा को समझकर मुझे मेरे हनुमान के दर्शन कराए थे।
हनुमान। हनुमान नहीं, मैं हूं पुत्री। संभालो स्वयं को। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं महाराज केसरी को क्या बताऊंगी कि उनकी अनुपस्थिति में क्या हो गया अंजना को। कैसे समझाऊं अपने आप को मां? हर क्षण मेरे हृदय को आभास होता कि मेरा हनुमान मेरे पास आ रहा, उसकी पुकार गूंजती है मेरे कानों में। मैं तुम्हारे हृदय की पीड़ा समझ सकती हूँ अंजना। जो हृदय के अधिक समीप होता है वो दूर रहकर भी अपनी उपस्थिति का आभास कराता है। हम सुमेरु आ गए हैं देवी। माँ, कोई कुछ भी कहे, मुझे आभास हो रहा है कि मेरा हनुमान मेरे पास आ रहा है। अंजना, महाराज केसरी पंपापुर के ज्योतिषियों के पास गए हुए हैं। वो अवश्य कोई ना कोई उपाय ले आएंगे हनुमान को वापस लाने के। महारानी जी, हो सकता है आपकी प्रार्थना से द्रवित होकर भगवान सोमेश्वर स्वयं ही कोई चमत्कार कर दे। प्रतीत होता है जैसे वो आज ही चमत्कार कर रहे हैं। मेरा हनुमान यहीं कहीं है, मुझे उसकी पगध्वनि सुनाई दे रही है। माँ, हनुमान, कहीं ये मेरा भ्रम तो नहीं? ये भ्रम ही है तुम्हारा अंजना। हनुमान तो वैद्यराज जी के साथ न जाने कहाँ हो। माँ कहाँ है? ये कोई दिवा स्वप्न है या सत्य? माँ, माता को मिल गए हनुमन, आंजनेय प्रिय शंकर सुवन। दान महाप्रतिदान का खेल, श्रद्धा और ममता का मेल। राममयी हनुमान को पाकर हर्षित है सुमेरु का कण कण। महादेव का महाप्रसाद हरता माँ का सकल विषाद। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। हनुमान मेरे लाल, मैंने कहा था नानी से कि मेरा हनुमान आ गया। और देखो, भगवान सोमेश्वर ने तुम्हें भेज ही दिया। धन्यवाद गौरी की गैया।
नहीं तो मुझे भी रोना आ जाएगा। मुझे तो अभी भी अपने नेत्र पर विश्वास नहीं हो रहा। माँ, मैं आपके लिए ढेर सारे उपहार लाया हूँ। प्रणाम वैद्यराज जी। प्रणाम वैद्यराज। से लेकर सुमेरु तक की सुगंध है। आते हुए मार्ग में विशेष रूप से आपके लिए चुन चुन कर लाया हूँ मैं इन्हें।